1438 से 1452 14 साल बीत गए, जोधा जी उधर ही रह रहे हैं। 14 साल का तो भगवान श्री राम को वनवास हुआ था। जोधा जी ने कहा अपना तो वनवास भगवान श्री राम से ही बड़ा हो गया। कौनी गांव वालों ने कहा जोधा जी चाहते क्या हो, कुंभा से कोई बातचीत करके वापस कहीं मंडोर मंडोर चले जाओ, ऐसे जीवन कितने दिन बिताओगे। जोधा ने कहा कि मेरे हाथ की लकीरों में मुझे लगता नहीं है कि कोई राजयोग लिखा हुआ है। जैसे ही जोधा जी ने हाथ की लकीरों की बात की, उस गांव में कोई आप जाए, पहले ही बता दिया जाए, घटनाओं का पूर्व अनुमान लगा लिया जाए, उसे कौन सा शास्त्र कहते हैं, शकुन। मान लीजिए आज हड़बू जी अगर आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहे होते तो वो सीधे आपको आते और 22% लिखवा देते जो आपके सेकेंड ग्रेड में आएंगे। वो इधर की रामकहानी बताते ही नहीं, वो आते लिखो सेकेंड ग्रेड 2022 में, तो 22 में कौन से 22% आएंगे वो बता देते कि ये लिखो, अब आपका कोर्स पूरा हो गया है और आगामी क्लास में मैं आऊंगा और आगामी क्लास में राजस्थान भूगोल के प्रश्नों पर बातचीत करेंगे। ऐसे करके वो फर्स्ट और सेकेंड दोनों पेपर अकेले करवा देते और पूरे में से पूरे नंबर भी आ जाते। हड़बू जी होते तो आज भी कोई पेपर सिक्योर होता ही नहीं, सारे लीक हो जाते। यानी पहले ही बता देना वो शास्त्र कौन सा शास्त्र होता है, शकुन। अब राम हड़बू जी पूजे क्यों गए? हड़बू जी का पूजा स्थल भी बुंदेल गांव नहीं है। हड़बू जी पूजे जाने का मुख्य कारण इनका शकुन शास्त्र का ज्ञान ही था और दूसरा गायों की सेवा। ये दो कार्यों के कारण हड़बू जी पूजे जाते हैं। और हड़बू जी का जो पूजा स्थल है वो पूजा स्थल बुंदेल गांव नहीं है, वो ध्यान रखना कौन सा गांव है, बेंगटी। और बेंगटी गांव कहां पर है, जोधपुर। देखो वह क्या था, हड़बू जी जब अल्प आयु में थे तब इनके पिता मेहा जी की मृत्यु हो गई थी। हड़बू जी अपने पिता मेहा जी से बेहमतिया प्यार करते थे। मृत्यु के बाद हड़बू जी का इस सांसारिक जीवन से मन ही उठ गया था। बोला आदमी तो एक पुतला है, कब ढेर हो जाए कोई पता ही नहीं, इसलिए जब तक प्राण है तब तक क्यों ना अपने हाथ से कोई अच्छे काम कर लिए जाए ताकि वहां पर ऊपर स्वर्ग लोक में अच्छी जगह मिल जाए। हड़बू जी इन चीजों को सोचकर घर से दूर रहने लगे। अब हड़बू जी उस समय परिवार में बड़े भाई थे, इनकी बहनें भी थी, परिवार को कोई सार संभालने वाला था नहीं। रामदेव जी को हड़बू जी के परिवार वालों ने कहा यार तेरा भाई है, उनको समझा कि रोज रोज घर से बाहर रहने पे कैसे काम चलेगा, सामाजिक दायित्व भी तो निभाने पड़ेंगे, घर पर भी तो रहना पड़ेगा, यहाँ पर कोई लोग आए तो उनसे बातचीत करने वाला तक घर में कोई पुरुष नहीं है। रामदेव जी हड़बू जी के पास जाते कहते हड़बू जी तुम्हारी जिम्मेदारी है कि आप घर पर रहा करो, वहीं पर कोई भक्ति भक्ति करनी है तो वहीं पर कर लिया करो, आप तो यूं सन्यासी की तरह गांव छोड़कर बाहर बैठ गए हो, घर वालों से बातचीत भी नहीं करते। हड़बू जी ने कहा पिताजी की मृत्यु के बाद मेरा इस सांसारिक जीवन से मन उठ गया है, मैं कहीं घर वर नहीं जाऊंगा। रामदेव जी ने समझाया उनको कि जन्म मरण ये सब परम परमात्मा ईश्वर के हाथ में है, अपन जब तक है तब तक कर्म करते रहो, आप घर पर जाओ, लोगों से बातचीत करो, लोगों को वहीं पर उपदेश दे दिया करो, वो गाय तो उनसे बातचीत करने वाला तक घर में कोई पुरुष नहीं है। रामदेव जी कहते हैं हड़बू जी तुम्हारी जिम्मेदारी है कि आप घर पर रहा करो, वहीं पर कोई भक्ति भक्ति करनी है तो वहीं पर कर लिया करो, आप तो यूं सन्यासी की तरह गांव छोड़कर बाहर बैठ गए हो, घर वालों से बातचीत भी नहीं करते। हड़बू जी ने कहा पिताजी की मृत्यु के बाद मेरा इस सांसारिक जीवन से मन उठ गया है, मैं कहीं घर वर नहीं जाऊंगा। रामदेव जी ने समझाया उनको कि जन्म मरण ये सब परम परमात्मा ईश्वर के हाथ में है, अपन जब तक है तब तक कर्म करते रहो, आप घर पर जाओ, लोगों से बातचीत करो, लोगों को वहीं पर उपदेश दे दिया करो। हड़बू जी ने कहा मुझे तो बोलना भी नहीं आता, मैं तो भयंकर शर्म सी आती है, कोई लोग सामने आ जाए तो मैं बोलूंगा भी कैसे और कैसे उपदेश दूंगा, आप जितना ज्ञान तो मुझ में है नहीं। रामदेव जी ने कहा तुम ऐसा करो पहले मेरे साथ जोधपुर चलो, बालीनाथ जी के पास कोचिंग करके आओ, वहां से तुम्हें अच्छा ज्ञान मिलेगा। हड़बू जी 4 साल तक बालीनाथ जी के पास रहे, बालीनाथ जी के पास से अच्छी शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद हड़बू जी उधर बुंदेल वापस शिफ्ट हो गए और उधर बीकानेर और बुंदेल में ये इधर उधर गायों की सेवा विवा का काम करते रहते थे। उसी समय मेवाड़ राज्य के इतिहास में एक ऐसी घटना घटित होती है कि राणा कुंभा राव रणमल राठौड़ की हत्या कर देता है। तब इतिहास के विषय में आप चर्चा करेंगे तब इतिहास के मां साहब आपको बताएंगे कि रणमल राठौड़ की हत्या क्यों हुई थी। रणमल राठौड़ की हत्या के पीछे लंबी ऐतिहासिक कहानी है, मैं केवल शॉर्ट में बता रहा हूं कि रणमल की हत्या दासी बारमली के सहयोग से बताओ किसने की थी, राणा कुंभा। रणमल का बेटा था राव जोधा। राणा कुंभा ने कसम खा रखी थी कि मैं राठौड़ वंश को नामो निशान समाप्त कर दूंगा। रणमल को मारने के बाद कुंभा का अगला टारगेट था जोधा, लेकिन जोधा को पता लग गया कि बापू की मौत हो गई है और बापू के बाद अपना ही टारगेट है, तो जोधा वहां से मेवाड़ से फरार होकर मंडोर आ गया। जोधा भी उस समय मेवाड़ में रहता था। कुंभा ने अपनी सेना मंडोर पर भेज दी कि जहां पर भी हो ढूंढ करके मारना ही है। कुंभा की सेना मेवाड़ से मंडोर तक आ गई। जैसे ही कुंभा की सेना मंडोर पहुंची,
जोधा जो है मंडोर छोड़ करके बीकानेर चला जाता। बीकानेर में कोई काउनी काउनी नाम का गांव पड़ता था, वहां चला गया और काउनी गांव में शरणार्थी के रूप में रहने लग गया। कुंभा ढूंढ रहा है लेकिन जोधा उस गांव में रह रहा है। चौदह सौ अड़तीस से 1452 14 साल बीत गए। जोधा जी उधर ही रह रहे हैं। 14 साल का तो भगवान श्री राम को वनवास हुआ था। जोधा जी ने कहा अपना तो वनवास भगवान श्री राम से ही बड़ा हो गया। कौनी गांव वालों ने कहा जोधा जी चाहते क्या हो, कुंभा से कोई बातचीत करके वापस कहीं मंडोर मंडोर चले जाओ, ऐसे जीवन कितने दिन बिताओगे। जोधा ने कहा कि मेरे हाथ की लकीरों में मुझे लगता नहीं है कि कोई राजयोग लिखा हुआ है। जैसे ही जोधा जी ने हाथ की लकीरों की बात की, उस गांव में कोई आप जाता था, उसने कहा कि अगर आप लकीरों पर जोधा जी विश्वास करते हो तो आप बस पकड़ो और सीधा हड़बू जी के पास जाओ, वो आपका पूरा इतिहास बता देंगे कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि वो कौन से शास्त्र के ज्ञाता है सकुन। जोधा जी का ऐसा कोई होता है कि बोला आप जाके तो देखो पूरी डिटेल बता देंगे। राव जोधा हड़बू जी सांकला के पास आते हैं। हड़बू जी को कहते हैं हड़बू जी अपने भी कभी कभार कोई राजयोग या राजगद्दी लिखी हुई है कि नहीं है, या जीवन भर यूं शरणार्थी के रूप में भटकते रहेंगे, कोई अपने भी कोई आरपीएससी में जुगाड़ उगाड़ होगा कि नहीं होगा बताओ। हड़बू जी ने कहा 1453 में अगले साल आप और कुंभा जी के बीच में एक संधि हो जाएगी, प्रस्ताव कुंभा जी की तरफ से आएगा, आप उसे एक्सेप्ट कर लेना। बोला 53 तो आई, एक ही साल बचा है, पक्का हो जाएगी ना। बोला पक्का डन। जोधा एक साल और काउनी गांव में रहता और 1453 में कुंभा की तरफ से जोधा के पास प्रस्ताव आता है कि कितने दिन तक वहां रहेगा शरणार्थी के रूप में, आ जा कोई बात नहीं अब। और दोनों के बीच में एक संधि हो जाती है जिसे इतिहास में आंवल बावल की संधि कहते हैं। सौजत पाली में यह संधि हंसाबाई के सहयोग से हुई थी, जिसके तहत मेवाड़ और मारवाड़ राज्य की सीमाओं का निर्धारण हुआ था। कुंभा और जोधा की संधि के तहत कुंभा ने जोधा को वापस मंडोर सौंप दिया था। बोला अब ठीक है तुम वापस मंडोर का राजा बन जा। लेकिन जोधा को डर लग रहा था यार, कुंभा थोड़ा सा अलग टाइप के आदमी थे, वो जब इच्छा होती आक्रमण करते थे, किसी के बाप की नहीं सुनते थे। बहुत से इतिहास पढ़ोगे कुंभा का तो आप क्यों यार ऐसे भी कोई राजा होते हैं क्या, कुंभा जब चाहे आक्रमण कर देते। जोधा को भी डर लग रहा था, बोला यार संधि तो हो गई लेकिन कल को कुंभा का दिमाग वापस घूम गया तो कोई परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए, स्थायी समाधान होना चाहिए, स्थायी कैसे। फिर किसी आप जैसे सेकेंड ग्रेड मास्टर ने सलाह दी कि संधि से काम नहीं चलेगा, दोनों आपस में समधी बन जाओ, रिश्तेदार बन जाओ। रिश्तेदार कैसे बने, जोधा जी की एक बेटी थी श्रृंगार देवी और कुंभा जी के एक बेटा था रायमल। श्रृंगार देवी पढ़ी लिखी साहित्य में निपुण थी और रायमल मेरी तरह अनपढ़ साल था, बिना कम पढ़ा लिखा था। जोधा ने कहा यार वो तो हिंदी मीडियम भी दसवीं में सप्लीमेंट्री पास है, अपने तो श्रृंगार भाई इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई है, 90% है ये वो। बोला राज्य चाहते हो तो समधी बन जाओ, ये प्रतिशत कहीं काम नहीं आएंगे, आगे जाके तो बीएड करके सेकंड ग्रेड का एग्जाम देना पड़ेगा। और राव जोधा ने 1453 में अपनी बेटी श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के बेटे किसके साथ करवा दिया था, रायमल। उसके बाद कुंभा जी जोधपुर मंडोर के राजा बन गए थे। कुंभा जैसे ही मंडोर के राजा बने हड़बू जी के पास गए। बोला हड़बू जी धन्यवाद, आप वाली भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक थी, आपने कहा था कुंभा जी की तरफ से प्रस्ताव आएगा, संधि आएगी और आप राजा बन जाओगे, बिल्कुल सही कहा, आप मेरे साथ जोधपुर चलो, वहीं रहना है आपको। हड़बू जी ने कहा यार मेरा जोधपुर में कोई खेती बाड़ी कोई अपने पशु पासु वहां नहीं है, मैं घर परिवार संभाल रहा हूँ वहां कैसा। जोधा जी ने कहा तो फिर मैं रोज रोज पूछने के लिए आपसे यहाँ थोड़ी आऊंगा कि कल क्या होगा परसों, मैं तो रोज पूछूंगा, आप ऐसा करो परमानेंट जोधपुर शिफ्ट हो जाओ। और राव जोधा हड़बू जी को एक बेंगटी गांव दे देता है, एक बैलगाड़ी दे देता है और परमानेंट जोधपुर के कौन से गांव में शिफ्ट कर देते हैं, बेंगटी। और रामदेव जी के 10 दिन बाद हड़बू जी इसी गांव में समाधि ले लेते हैं और यहां पर हड़बू जी के भव्य मंदिर का निर्माण जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह करवाते हैं। ये जीवन भर अपंगायों की सेवा अपनी बैलगाड़ी से करने के कारण इनके मंदिर में आज भी बताओ कौन सी गाड़ी पूजी जाती है, बैलगाड़ी। डर लग रहा था, बोला